अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हिबा मदर व्लॉग। कैसे हैं सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज मैंने मेथी बनानी थी। आप लोग जानते हैं मेथी सर्दियों में बहुत मज़े की लगती है, खाई जाती है, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग वाली चीज़ है, बहुत टाइम लगता है इसको। तो मुझे अब समझ आई है कि मदर की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जब हम छोटे होते थे, यानी कि स्टडी के दौर में थे, तो मम्मा कहती थी तो मम्मा के साथ थोड़ी सी तोड़ के बस कर दी, और बाकी मम्मा बुरा करती थी। और अब जब इंसान को खुद तोड़नी पड़ती है, तो पता चलता है कि एक मदर की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उन्होंने घर को भी देखना है, खाने को भी देखना है, सब चीज़ें देखनी है। और उसके बावजूद जब हम स्टडी करके घर आते हैं, स्कूल से घर आते हैं, तो हमें हर चीज़ रेडी मिलती है, वो हमारे आगे बिल्कुल रेडी रखती हैं, हमने बस खाना होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब इंसान खुद मदर बनता है, जैसे मैं मदर बनी हूँ, तो मुझे पता चला है कि मेरी मदर मेरी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रही थी। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। तो हमें अपनी माओ का शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, उनको सलामत रखे, सबकी माओ को अल्लाह ताला सलामत रखे। और उसके अलावा देखते हैं कि जी आज मैं आपको ड्रेसेस इस वीडियो में दिखाऊंगी, हिबा की ड्रेसेस। और इसके अलावा मैंने आज शकरकंदी बनाई है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे जी जब मैं प्रेशर में बना रही हूँ शकरकंदी, सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है, स्टीम में बनाऊंगी। ये मैंने स्टैंड रखा है, थोड़ा सा पानी डाला है, और अब मैं इसमें शकरकंदी डाल दूंगी और इसको मैं प्रेशर बंद करके बनाऊंगी। तो ये स्टीम में बनेगी तकरीबन 10 से 15 मिनट में ना। तो यहाँ पर देखें जनाब, यहाँ पे मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया, और अब यहाँ पे प्रेशर लगा दिया है, 10 से 15 मिनट का प्रेशर लगाया है। और ये बहुत टेस्टी लगती है, खट्टी मीठी सी, इसके ऊपर चटनी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल रेडी हो गई है, और ये मैं चेक कर रही हूँ बिल्कुल गल चुकी है। तो इसकी मैंने ऐसे कटिंग कर ली है, और कटिंग करने के बाद इसके ऊपर चाट मसाला डाला है, और आपकी मर्ज़ी है आप इसके ऊपर इमली की चटनी डाल सकते हैं, इसके अलावा आप ऑरेंज होते हैं जो खट्टे वाले वो डाल सकते हैं। तो मेरे पास ऑरेंजेस थे, मैंने आज इमली की चटनी नहीं बनाई, तो मैंने ये भी बना दी। इसके साथ भी बहुत चटपटी लगती है। तो ये शकरकंदी बहुत टेस्टी और मज़े की रेडी है, बहुत मज़ा आया था इसको खा के। आप भी ज़रूरी से ट्राई कीजिएगा। और इसके अलावा आज मैंने आपके साथ ड्रेसेस शेयर करने हैं हिबा के हिबा के कुछ ड्रेसेस आपको दिखाऊंगी, तो वो आप देखिएगा बेबी गर्ल्स के कितने क्यूट क्यूट से ड्रेसेस, और मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह इसकी शर्ट है, बड़ी प्यारी सी, और उसके साथ जो है पजामा भी दिया हुआ है, और उसके साथ ये स्कर्ट है। तो ये शर्ट और ड्रेस मुझे बहुत खूबसूरत लगा था, तो मैंने ये ले लिया। स्टाइलिश सा ड्रेस है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके अलावा नेक्स्ट ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये पिंक कलर में है, लेकिन ये बहुत प्यारा है, ये बहुत प्यारा ड्रेस लगा है, ये देखें, खूबसूरत सा ड्रेस है बेबी गर्ल्स के लिए, कलर के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। सर्दियों के हिसाब से ना बच्चों के गर्म ड्रेस ज्यादा बेहतर रहते हैं, कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा जितने गर्म हों तो वो बेहतर है। ये इसी तरह ये शर्ट मैंने हिबा की ली है, ये भी फुल गर्म है, तो इस तरह ये बिल्कुल बच्चा कवर रहता है। बच्चे को सर्दी बहुत जल्दी लगने का डर होता है, तो फिर वो जितने भी गर्म होंगे तो अच्छे होते हैं। ये हिबा का ही पैंट ट्राउजर ली है, खूबसूरत सी, ये भी बहुत खूबसूरत लगी मुझे। इसके साथ भी अभी शर्ट देखती हूँ, कोई चेंज मैच करूँगी। और एक ये ड्रेस है, इसका ट्राउजर मैं आपको दिखाती हूँ साथ, ये कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा था, और ड्रेस भी बहुत अच्छा था, स्टफ भी। तो एक ड्रेस मैंने हिबा के लिए ये लिया है। तो आप बता सकते हैं आपको ये बेबी शॉपिंग बेबी गर्ल की कैसी लगी है। ये देखें, ये देखें, मैंने गर्म सी जैकेट ली है हिबा के लिए, कि हिबा को जब बाहर आना जाना हो या बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसकी दो तीन किस्म की जैकेट्स जो ली है मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। एक जैकेट ये है खूबसूरत सी, ये आप देख सकते हैं, ये है तो गर्म नहीं है लेकिन इसका स्टफ जो है वो बड़ा प्यारा है। एक जैकेट ये है, ये भी बहुत प्यारी सी जैकेट है।
और एक ये बाकी जैकेट है, ये भी बहुत गर्म जैकेट है। तो ये सर्दियों के लिए मैंने हिबा की जैकेट्स ली हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में आपको कैसी लगी हैं ये। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ अगर बच्चों ने की किस तरह की कैसी शॉपिंग की जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।